أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کئی صدیوں سے شرق اوسط کا علاقہ مسلسل انحطاط کا شکار ہے اور جنگوں اور بے چینیوں اور بدامنی اور کئی قسم کے غروب میں اور دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہا ہے لیکن گزشتہ 40 سال سے خصوصیت کے ساتھ ان تکلیفوں اور بے چینیوں اور دکھوں میں اضافہ نہ صرف ہوا بلکہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجوہات معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں لیکن معلوم ہونے کے باوجود ان وجوہات پر نہ مشرق کی توجہ ہے نہ مغرب کی توجہ ہے امر واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال کے دور میں جتنی بار اس علاقے کا امن پارا پارا ہوا اور اس کے نتیجے میں عالمی امن کے اس صدمے کے احتمالات پیدا ہوئے اتنی ہی بار اس کے نتیجے میں جو رد عمل مغرب نے دکھایا وہ آئندہ ایسے ہی خطرات پیدا کرنے والا رد عمل تھا اور ایسے ہی خطرات کو بڑھانے والا رد عمل تھا ان کو دور کرنے والا نہیں تھا اور ہر ایسے تجربے سے گزرنے کے بعد شرق اوسط میں بسنے والے مسلمان عربوں نے جو رد عمل دکھایا وہ وہی رد عمل تھا جس کے نتیجے میں پہلے وہ بارہا نقصانات اٹھا چکے تھے اور بارہا اپنی تکالیف میں اضافہ کر چکے تھے بس بار بار کے تجارب سے گزرتے ہوئے بار بار انہی نتائج تک پہنچنا جو پہلی مرتبہ بھی غلط ثابت ہو چکے ہوں یہ دانشوروں کا کام نہیں لیکن بظاہر دونوں طرف دانشور بھی موجود ہیں اس لیے کچھ اور وجہ ہے جس کی بنا پر یہ صورتحال سلجھنے کی بجائے مسلسل الجھتی چلی جا رہی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تمام بے چینی کی جڑ اسرائیل ہے اگرچہ ہر لڑائی کے بعد مغرب نے اس کا ایک تجزیہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ کیا غلطی تھی مشرق وسطی کے لوگوں کی ان کے رہنماؤں کا کیا قصور تھا جس کے نتیجے میں یہ سب نقصان پہنچے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے مرض کی جڑ نہیں پکڑی اور اپنے طرز عمل میں اصلاح کی طرف کبھی توجہ پیدا نہ کی مثال کے طور پر اس سے پہلے جنرل ناصر کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ عبد الناصر ایک پاگل شخص ہے یہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے
इसको इल्म नहीं कि इसके मुकाबले पर ताकतें कितनी गालिब हैं और उनके मुकाबले पर इसकी या इसके साथियों की सारे अरबों की भी कोई हैसियत नहीं है। जितनी दफा ये जंग को जाएगा हर बार हजीमत उठाएगा और पहले से बदतर हाल को पहुंचेगा। इसलिए मगरबी दुनिया के तजिये के मुताबिक एक पागल रहनुमा उठा जिसने अपने जोश की वजह से तमाम कौम के दिल जीत लिए मगर होश से आ रही था, इसलिए उनकी होश के लिए उसने कोई चारा न किया। नतीजतन उसका हर इकदाम जो उसने अपने दुश्मन के खिलाफ किया बिल आखिर उसी पर और उसके साथियों पर उल्टा, और हर बार जब उसका मुकाबला गैरों से हुआ तो न सिर्फ ये कि अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहा बल्कि हमेशा अपने हाथ से कुछ खोया और मुसलसल खोता चला गया। यही हाल कुछ अरसे तक उसके पीछे आने वाले दूसरे रहनुमाओं का रहा। बस पहले दौर का तज्जिया मगरिब के नजदीक मुसलमानों अरबों में से उठने वाला एक जोशीला पागल लीडर था, और यही तज्जिया अब सद्दाम हुसैन के बारे में पेश किया जा रहा है और तमाम दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जा रही है कि लो एक और पागल लीडर उठा है। ऐसा पागल लीडर जिसकी बुनियादें सिर्फ नासिरियत यानी जनरल नासिर के नजरियात और उसके रवैये पर ही मबनी नहीं बल्कि हिटलर में भी पैवस्ता हैं और हिटलरियत में पैवस्ता हैं, जिसे नाट्सीज्म भी कहा जाता है। असल नाम तो नाट्सीज्म है लेकिन उसका सिंबल बनकर हिटलर उभरा था, इसलिए हिटलराना तर्ज अमल भी उसे कहा जा सकता है। तो आजकल ये मगरबी दुनिया में टेलीविजन वगैरह के ऊपर बकसरत हिटलर की दौर की फिल्में दिखा रहे हैं और उस जंग के ऐसे वाकयात पेश कर रहे हैं जिससे नाट्सीज्म के दौर की यादें मगरब में ताजा हो जाएं और बगैर कुछ कहे अज खुद वो नाट्सीज्म के दौर और उसके मुहर्रिकात को जनरल सद्दाम हुसैन के दौर और उसके मुहर्रिकात के साथ वाबस्ता कर दें। बस ये इनका तजिया है, लेकिन किसी मगरबी मुफक्किर ने यह नहीं कहा कि अगर ये वाकईतन बीमार जहन थे जो रहनुमा बन के उभरे तो इन बीमार जहनों को पैदा करने वाली बीमारी कौन सी थी, और ये नहीं सोचा कि अगर बीमार सर उड़ा भी दिए जाएं तो जो बीमारी बाकी रहेगी वो वैसे ही और सर पैदा करती चली जाएगी, और कभी भी उस बीमारी से और उस बीमारी के असरात से ये निजात हासिल नहीं कर सकते। वो बीमारी क्या है? वो इसराइल का क्याम और उसके बाद मुसलसल मगरिब का इसराइल से तरजीही सलूक है। जब भी किसी दोराहे पर इसराइल के मफाद को इख्तियार करने या मुसलमान अरब दुनिया के मफाद को इख्तियार करने का सवाल उठा, बिला इस्तिस्ना हमेशा मगरिब ने इसराइल को फौकियत देने की राह इख्तियार की और मुसलमान दुनिया के मफादात को ठुकरा दिया। बस इस बीमारी का खुलासा एक अरब शायर ने अपने एक सादा से शेर में यूं बयान किया है कि मन का ना यल्बे सो कल्बहू शैं व यकना ओली जिल्दी मल कल्बो खैरुन इंदहू मिन्नी व खैरिम खैरुन मिन हो इंदी, कि वो शख्स जो अपने कुत्ते को तो पोशाकें पहनाता हो और मेरे लिए मेरी जिल्द ही काफी समझता हो, बिलाशुबा उसके लिए कुत्ता मुझसे बेहतर है और मेरे लिए कुत्ता उससे बेहतर है। बैन ही यही मर्ज की आखिरी तशखीस है, अरब दुनिया के दिल में ये बात डूब चुकी है और हकायक पर मबनी है उनका यह तजिया कि मगरिब अपने कुत्तों को तो पोशाक पहनाएगा
लेकिन हमें नंगा रखेगा। और ये सूरत हाल इसराइल और अरब मुआजने में पूरी तरह सादिक आती है। बस मगरब का रद्द अमल हमेशा ऐसे मौके पर यह हुआ कि इस जाहिल अरब दुनिया से बचने के लिए और इसके नुकसानात से दुनिया को बचाने के लिए एक ही राह है कि इसे पारा पारा कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और आइंदा के लिए इसके उठने के इम्कानात को खत्म कर दो। ये वैसा ही तजिया है, गो उतना हौलनाक नहीं और उतना मुजरिमाना नहीं जितना पहली जंग अजीम के बाद किया गया और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद किया गया। दोनों सूरतों में वो तजिया नाकाम रहा। वो बुनियादी मुहर्रिकात जो नाटसीज्म को पैदा करते हैं या नासरियत को पैदा करते हैं या सद्दामियत को पैदा करते हैं, जब तक उन मुहर्रिकात पर नजर डालकर उस मर्ज की सही तशखीस करके उसके इलाज की तरफ मुतवज्जे ना हुआ जाए, बार बार वो सर उठते रहेंगे जो काटे भी जाते रहेंगे और दूसरे सरों के कटने का मूजिब भी बनते रहेंगे, और ये फोड़ा पकता रहेगा यहां तक कि कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब मगरिब की ताकतवर हुकूमतों के इख्तियार से बाहर निकल जाए। सद्दाम हुसैन को जो ताकत दी गई है ये भी दरअसल मगरबियत के नाइंसाफी का एक मजहर है और उनके बेअसूलेपन का एक मजहर है। इससे पहले मगरबी थी जिसने खुमैनी इज्म की बिना डाली थी। फ्रांस वो मगरबी मुल्क है जिसमें इमाम खुमैनी साहब ने बना ली और बहुत लंबे अरसे तक फ्रांस की हिफाजत में रहे और फ्रांस के असर और ताईद के नीचे वो प्रोपेगेंडा की मुहिम जारी की गई जिसने बिलाखिर वो इनकलाब बरपा किया जो अभी तक जारी है। और उस अरसे तक चूंकि मगरिब को यह खतरा था कि अगर खुमैनीज्म ऊपर ना आया यानी मजहबी इनकलाब बरपा ना हुआ तो शाह की नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि लाजिमन इश्तराकी इनकलाब बरपा होगा। बस खुमैनीज्म या इस्लाम के उस नजरिए की मोहब्बत नहीं थी जो ईरान में पाया जाता है, बल्कि इससे बड़े दुश्मन का खौफ था जिसने इनको मजबूर किया कि वो खुमैनीज्म की परवरिश करें। और जब वो ताकत पा गया तो लाजिमन, क्योंकि वो मजहबी लोग थे और वो जानते थे कि मजहबी जज्बात के नतीजे में हम उभरे हैं, इसलिए उनके मफाद में ये बात थी कि मजहबी जज्बात को मुश्तैल रखने के लिए एक नफरत के बदले दूसरी नफरत की तरफ रुख फेरा जाए। पहला इनकलाब भी नफरत की बिना पर था और वो नफरत शाह ईरान और उसके पस मंजर में उसके ताकतवर हलीफ और सरपरस्त अमरीका की नफरत थी। चुनाचे यही नफरत उन्होंने मजहबी फवायद हासिल करने के लिए इस्तेमाल की और अमरीका को शैतान आजम के तौर पर पेश किया और हर तरह से कौम के मजहबी उन मजहबी जज्बात को जिंदा रखा जो नफरत से ताल्लुक रखते हैं। और इस बिना पर उसके रद्द अमल में खुमैनीज्म को तकवीयत मिलनी शुरू हुई। बस पहले भी इस इलाके में जो बदमनी हुई, जो खौफनाक जंगें लड़ी गईं या फसादात बरपा हुए या कत्लोगारत हुए या नाइंसाफियां हुई, उनकी भी बुनियादी जिम्मेदारी मगरिब पर आयद होती है। और बुनियादी इसलिए कि शाह के मजालिम में भी मगरिबी की सरपरस्ती शामिल थी और जिम्मेदार थी। ये कैसे मुमकिन है कि अमरीका, जिसे आज दुनिया में तजस्सुस के निजाम पर इतना अबूर हासिल हो चुका है कि दूर दूर के ऐसे वाकयात जिनके मुतल्लिक उस मुल्क के रहने वाले भी अभी शऊर नहीं पाते, अभी एहसास उनके अंदर बेदार नहीं होता,
इनकी इंटेलिजेंस के की रिपोर्टें उनको उनसे भी बाखबर कर देती हैं। चुनाचे ये अजीब बात है कि हमारे मुल्क में जो कई इनकलाब हुए उनमें अमेरिका से यह शिकवा भी किया गया कि हमें खबर नहीं दी। यानी एक रहनुमा की हुकूमत उल्टी है, एक पार्टी को उल्टाया गया है और वो अमेरिका से शिकवा कर रहे हैं कि अजीब लोग हैं, हमें खबर ही नहीं दी। जिस मुल्क में रहते हो तुम्हें अपने मुल्क की खबर नहीं और शिकवा कर रहे हो कि हमें खबर नहीं दी। बस शऊर की कमी जितनी ज्यादा मशरक में नुमाया होती चली जा रही है और अपने हालात से बेहिसी जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही इन कौमों के अंदर दूसरों के शऊर बेदार हो रहा है और दूसरों के मामलात में हिस तेज तर होती चली जा रही है। बस ये कैसे मुमकिन है कि इनको पता न हो कि शाह ईरान ने कैसे सख्त मजालिम तोड़े हैं और उनका कितना खतरनाक रद्द अमल है जो मुल्क में पनप रहा है। उन मजालिम के दौरान उसके सर पर हाथ रखने की अव्वल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है और कोई दुनिया का बाशऊर इंसान अमरीका को इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर सकता। इसमें दुश्मनी या जज्बात की बात नहीं, ऐसी हकीकत है जो अदना सी समझ रखने वाला दानिशवर भी आज ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि शहनशाहियत जो ईरान की शहनशाहियत है वो अमरीका की परवुर्दा थी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले सारे रद्द अमल की जिम्मेदारी असल में अमरीका पर आयद होती है। और उस रद्द अमल को संभालने के लिए अमरीका ने जो तरीकेकार इख्तियार किया वो भी उनके मफाद में या उनके नजदीक दुनिया के मफाद में जरूरी था। वो समझते थे कि इस रद्द अमल से अब दो ही ताकतें फायदा उठा सकती हैं, या खुमैनीज्म मजहब की ताकत और या फिर इश्तराकियत है, और इश्तराकियत चूंकि ज्यादा सख्त दुश्मन थी और उस दौर में अगर इश्तराकियत को यहां गलबा नसीब हो जाता तो जो सुलह आज रूस और अमरीका के दरमियान हुई है वो कभी वाकया नहीं हो सकती थी। फिर सद्दामियत पैदा न होती, फिर रूस की तरफ से और रूसी ईरान की तरफ से मशरिक वुस्ता के अमन को शदीद खतरा दरपेश होता और ऐसा खतरा दरपेश होता जिसका कोई मुकाबला इनके पास नहीं था, मुकाबला करने की कोई ताकत इनके पास नहीं थी। बस बहरहाल अपने मुफाद में और जिसे जिस तरह ये पेश करते हैं कि सारी दुनिया के अमन के मुफाद में इन्होंने खुमैनीज्म को पैदा किया और उसकी परवरिश की, यहां तक कि जब वो ताकत पकड़ गया तो उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए अपने निजाम की बका की खातिर और अमरीका के बद असरात से इसे बचाने के लिए एक दरमियानी राह अख्तियार की, जो दरमियानी राह इन मानों में थी कि रूस और अमरीका के बीच में चलती थी मगर इस्लामी इंसाफ के लिहाज से वो दरमियानी राह नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने दाएं भी कत्लो गारत का बाजार गर्म किया और अपने बाएं भी कत्लो गारत का बाजार गर्म किया और इस्लाम के नाम पर ऐसा किया। बस आलम इस्लाम को कई नुकसान पहुंचे और फिर ईरान से अपना बदला लेने के लिए सद्दामियत को पैदा किया गया और इराक की हर तरह से हौसला अफजाई की गई और तमाम अरब ताकतें जो इनके जेर नगीन थीं उनके जरिए भी मदद करवाई गई और बरह रास्त भी, यहां तक के एक मौके पर जबकि इराक को शदीद खतरा लाक हुआ और साफ नजर आने लगा कि ईरानी फौजें अब बगदाद पर काबिज हो जाएंगी तो उस वक्त अमरीका ने खुलम खुला ऐलान किया कि ऐसा नहीं होगा, यह ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। चुनांचे बड़ी तेजी के साथ इनकी मुदाफियाना ताकत को बढ़ाकर जारहाना ताकत में तब्दील किया गया और ये जो आज दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऐसा जालिम और बेहिस इंसान है कि पॉइजनस गैसें जो आसाब को तबाह करने वाली या जिस्म पर छाले डालने वाली या दम घूंटने वाली गैसें हैं, बनी नौ इंसान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता, इसलिए इस जालिम से दुनिया को निजात दिलाना जरूरी है। कल यही वो कौमें थी जिन्होंने वो गैस बनाने के तरीके इनको सिखाए थे, इनके इल्म में था और मुसलसल इनकी आंखों के सामने वो फैक्ट्रियां बनाई गईं और उनका नो हाउ इनको अता किया गया, क्योंकि उस वक्त मुकाबले पर बड़ा दुश्मन ईरान था और
ये कहना इन कौमों का, आज अगर ये कहें कि हमें तो इल्म नहीं है, इराक ने खुफिया तौर पर खुद ब खुद ये काम कर लिए, तो बिल्कुल झूठ है। लीबिया में जब गैसों के कारखानों का आगाज हुआ तो उस वक्त इन्होंने बमबारी वहां की और दुनिया में ऐलान किया कि हम किसी कीमत पर इस कारखाने को कायम नहीं होने देंगे क्योंकि ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और फिर तफासील बयान की जो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त थी, उन्होंने कहा लीबिया कहता है कि हम ये गैसें नहीं बना रहे बल्कि दूसरी किस्म की फर्टिलाइजर या और कीमिया तैयार कर रहे हैं, तो हम उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं अंदर से, ये वो कारखाना है, यहां ये चीजें बन रही हैं, ये चीजें पैदा हो रही हैं, इतनी हो चुकी हैं। एक एक जुज, एक एक तफसील का इनको इल्म था और दुनिया के सामने उसको पेश किया। तो इराक के मामले में किस तरह आंखें बंद थी जब उसकी पुष्ट पर ये खड़े थे और चाहते थे कि किसी कीमत पर भी ईरान को इराक पर या अरब दुनिया पर फौकियत हासिल न हो और गलबा हासिल न हो, वरना इनको खतरा था कि फिर सारा मामला इनके इख्तियार और कब्जा कुदरत से बाहर निकल जाएगा। और उस वक्त ईरान शोर मचा रहा था कि जुल्म हो गया, अंधेर नगरी है, ऐसी सफाकी है, अपने बीमारों की तस्वीरें दिखा रहा था। और चंद एक मामूली झलकियों के बाद इन्होंने वो मंजर दुनिया के सामने लाने बंद कर दिए। अब जबकि इस जिसको ये सरफिरा कहते हैं और एक बीमार दिमाग कहते हैं, इस बीमार दिमाग को जिसको इन्होंने खुद पैदा किया है, जब इस बीमार दिमाग को नुकसान को जलील और रुस्वा करना पेश नजर है, तो वही तस्वीरें जो ईरान के वक्त पहले ईरान दिखाया करता था वो अब ये सारी दुनिया को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जालिम शख्स जिसने अपने भाई ईरानी मुसलमानों पर ऐसे जुल्म किए थे, उसके जुल्म से दुनिया कैसे बचेगी, कैसे वो दूसरों को दूसरों पर रहम करेगा या उनसे इंसानियत का सलूक करेगा। तो ये रद्द अमल जो है ये भी वही पुराने रद्द अमल और वही पुराना तरीक, यानी बीमारी को नहीं देखते जिस जो बीमार सर पैदा करती है, उन ताकतों को नहीं तस्लीम, उन ताकतों को जो ये खुद ताकतें हैं नजरअंदाज कर देते हैं, जो बीमारी पैदा करने में मुसलसल उम्मीद रहती है। और एक बीमारी को आगाज से लेकर नुक्ते अंजाम तक पहुंचाती है, बल्कि आखिर पर सिर्फ तवज्जो बीमार सरों की तरफ मबजूल करा देते हैं क्योंकि उनको इन्होंने सतन से जुदा करना होता है, इसलिए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम मजबूर हैं। एक पागल जहन उभरा है जिसका मुकद्दर जो है ये कि उसे तन से जुदा किया जाए, वरना वो बाकी दुनिया के सरों के लिए खतरा बन जाएगा। आखिरी बात वही है, ये क्यों बीमार जहन पैदा हो रहा है, इसलिए कि मुसलसल मगरिब का सलूक खुसूसन अरब मुसलमानों से और ईरान के मुसलमानों से जालिमाना रहा है, सफाकाना रहा है, जारहाना रहा है। और बावजूद इसके कि इनमें से बहुत से ममालिक की दोस्तियों के हाथ इन्होंने जीते, उनकी सरपरस्तियां की और बजाहिर उनके मददगार बने, लेकिन अमलन उसकी वजह वाजे थी कि उनसे इस्तेफादा करने के लिए सबसे अच्छा जरिया उनसे दोस्ती पैदा करना था, उनके तेल की दौलत तमाम की तमाम अपने बैंकों में रखवाई और उससे दोहरा फायदा उठाया। एक तो ये कि वो बहुत बड़े दौलत के जखायर बन गए जिससे इनकी सरमायाकारी को गैर मामूली तकवीत मिली, और दूसरे हर खतरे के वक्त उनकी दौलत पर काबिज होने के का इख्तियार इनको हासिल हो गया। अब जहां दूसरी जगह अमानत की बातें करते हैं वहां इनके अमानत के तसव्वुर बदल जाते हैं, यानी एक शहरी जब दूसरे मुल्क में जाता है तो वो उसकी अमानत है, उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए, मगर अमन और दोस्ती के जमाने में एतमाद करते हुए एक बैनुल अक्वामी माली निजाम के तहफ्फुज़ात से इस्तफादा करते हुए या उन पर गलती से यकीन करते हुए जब दौलतें इनके बैंकों में जमा कराई जाती हैं तो क्या हक है इनका कि किसी दुश्मनी के वक्त भी उनकी दौलत के ऊपर हाथ रख दें और कहें इसको हम बनी नौ इंसान के फायदे में सील कर रहे हैं, सरबमोर कर रहे हैं। कितने ही मशरिकी ममालिक हैं जिनकी दौलतें इस तरह हर लड़ाई और हर खतरे के वक्त
सरबमोहर कर दी गई और अब भी कुवैत की दौलत सरबमोहर की गई, लेकिन वो उनके बाद में उनकी दोस्ती की वजह से छोड़ देने के नियत से, और इराक की सारा सरमाया जो गैर मुल्कों में था उसे सरबमोहर कर दिया गया। तो ये दजल की बारीकियां हैं, लेकिन इन तमाम चालाकियों को और इन तमाम जुल्मों को ये एक नहायत नफीस सिविलाइज जुबान में पेश करने की अहलियत रखते हैं और इसमें दर्जा कमाल को पहुंचे हुए हैं। इसके मुकाबले पर हर दफा बदनसीब अरब मुसलमान दुनिया ने होश का जोश से मुकाबला करने की कोशिश की है और हर दफा जोश को होश से टकराकर जोश को पारा करवाया है और मुसलमान दुनिया को मजीद जलील और रुसवा करवाया है। सबसे बड़ी गलती अरब दुनिया ने यह की और हमेशा करती चली गई कि ये सियासी मुहर्रिकात और ये दुनियावी मामलात जिनमें खुदगर्ज कौमों का रद्द अमल मजहब की तफरीक के बगैर हमेशा एक ही हुआ करता है, इन मुहर्रिकात को इनके मवाजे पर रखने के बजाय, जहां ये वाकया हैं उन तक रखने की बजाय इनको मजहब में तब्दील कर दिया गया और जो नफरत पैदा की गई वो इस्लाम के नाम पर पैदा की गई। इन कौमों का, जिन कौमों ने आपके मफादात पर हमला किया है, मुकाबला करने का बनी इंसानियत आपको हक देती है, उसको बेवजह इस्लामी जहाद में तब्दील करके इनको और मौका दिया गया कि पहले तो ये सिर्फ इस्लामी दुनिया पर हमला करते थे, अब वो इस्लाम पर भी हमला करें और तमाम बनी नौ इंसान को कहें कि असल बीमारी इस्लाम है, इसराइलियत नहीं है, हमारी नाइंसाफियां नहीं हैं, बल्कि इस्लाम एक कज मजहब है जो कजी पैदा करता है, एक गैर मुनसिफाना मजहब है जो गैर मुनसिफाना ख्यालात को फरूग देता है और सारी बीमारियां इस्लामी तर्ज फिक्र में हैं। चुनांचे ईरान के रद्द अमल में भी जो गैर इस्लामी रद्द अमल था और जिसका इस्लाम से कोई दूर का भी वास्ता नहीं था, लेकिन दुनियावी असूल के मुताबिक अगर उसको पेश किया जाता तो बहुत हद तक दुनिया को मुतमईन करवाया जा सकता था कि हम मजलूम रहे हैं, अब हमारा वक्त है इंतकाम लेने का, हम मजबूर हैं, दुनिया किसी हद तक उसको समझ सकती थी। लेकिन इस्लामी दुनिया की लीडरशिप की जहालत की हद है और जुल्म की हद है कि कौले सदीद की बजाय साफ बात दुनिया को बताने की बजाय कि हम मजबूर हैं, हम बेख्तियार हैं, जब भी हमें मौका मिलेगा, हमें इतनी नफरतें इन्होंने हमारे अंदर पैदा की हैं और नाइंसाफियों की इतनी सदियां इसके हमारे मौजूदा रद्द अमल के पीछे खड़ी हैं कि हम मजबूर होकर एक कमजोर आदमी के रद्द अमल दिखाएंगे, जिसके हाथ में जब ईंट आती है तो वो उठा के मारता है, फिर ये नहीं सोचा करता कि उसके नतीजे में उसको क्या सजा मिलेगी या ताकतवर उससे क्या सलूक करेगा। इस सूरत हाल को तकवा के साथ और इस्लामी तालीम के मुताबिक कौले सदीद के साथ निथार कर और खोल कर बनी दुनिया के सामने पेश करने की बजाय, जो जिसमें गैर मामूली फवायद मुजमे थे, इन्होंने फिर इस्लाम पर हमला करवाने के उनको मौके फराहम किए। पहले कहा कि हमारे बदन पर हमला करो, फिर कहा कि आओ अब हमारी रूह पर भी हमला करो, और ऐसी जालिमाना तौर पर इस्लामी तालीम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि उसके नतीजे में तमाम अहले दानिश दुनिया के जानते थे कि ये मजहबी रद्द अमल नहीं है, इसलिए अगर ये मजहबी कहते हैं तो बहुत अच्छा, हम इनके मजहब पर हमला करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि मजहब टेढ़ा है, इनके दिमाग टेढ़े नहीं है। बस वो सर जिनको बीमार सरों के तौर पर ये दुनिया के सामने पेश करते थे और जो इनकी बीमारी की वजह से बीमार हुए थे, इनकी पैदा करदा बीमारियों की वजह से बीमार हुए थे, उसी मुसलमान दुनिया ने इनको मौके फराहम किए कि उनकी बीमारी की वजह भी इस्लाम करार दिया जाए और गलत तशख़ीस दोबारा कर दुनिया के सामने पेश की जाए और दुनिया उसको तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जो बीमार है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। बीमार कहता है कि मेरे सर में दर्द है और साथ बताता है कि मैंने ये खाया था और ये हरकत की थी, उसके नतीजे में सर दर्द है। फिर डॉक्टर अगर कुछ और बात कहे भी तो उस पर किसी को इत्मीनान नहीं मिलता।
चुनाचे जब ये बीमार सर दुनिया को दिखाए जाते हैं तो साथ कहते हैं कि इसकी बहुत आला तशखीस खुद इस बीमार ने कर दी है। ये बीमार कहता है कि मेरा मजहब पागल है, मेरा मजहब मुझे नाइंसाफियों पर मजबूर करता है, मेरा मजहब मुझे कहता है कि औरतों और बच्चों से जुल्म करो और इस तरह तुम अपने बदले उतारो और इस तरीक पर तुम्हें इंतकाम लेने का इस्लाम हक देता है, सैबाटाज करो, बमों से शहरों का अमन उड़ाओ, जिस तरह भी पेश जाती है तुम अपने दुखों का बदला लो और तुम्हारे पीछे खुदा खड़ा है और इस्लाम खड़ा है और तुम्हें तालीम देता है कि मजहब के नाम पर ऐसा करो। बिल्कुल गलत बात थी, इसमें इसका अदना सा भी कोई जवाब नहीं था। जो बातें मैंने बयान की हैं ये ऐसी बातें हैं जो दुनिया के सामने कहीं भी आप पेश करें दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर होगी कि बीमार सर क्यों है और बीमारी की वजह क्या है। लेकिन इन जालिमों ने खुद अपने ऊपर हमला ही नहीं करने दिया बल्कि अपने मजहब को भी हमले का निशाना बनाने के लिए सामने पेश कर दिया। यह है खुलासा जुल्म सितम का जो इस वक्त रवा रखा जा रहा है। और जरूरत है, आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस्लामी लीडरशिप इन मुहर्रिकात को, इन मुआजहात को समझे और तमाम तर तवज्जो असल बीमारी की तरफ मबजूल करे और मबजूल करवाए और दुनिया के सामने ये तजिये खोल के रखे कि हम मजबूरन सद्दाम के मुकाबले पर तुम्हारे साथ शामिल हुए हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम बरी उज़िमा हो और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सद्दाम का दूर करना या इराक की बर्बादी आलम इस्लाम का इलाज है। ये आलम इस्लाम के लिए मजीद तबाही का मुझे बनेगा और वो मुहर्रिकात जारी रहेंगे और वो बीमारियां बाकी रहेंगी जिनके नतीजे में बार बार मशरक वस्ती का अमन बर्बाद होता है और बार बार दुनिया को इनसे खतरा महसूस होता है। बस जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है उस तरफ वापस जाकर देखें तो इसराइल ने हर लड़ाई के बाद कुछ मुसलमान इलाकों पर कब्जा किया और उसे दमाम बख्शने में मगरबी ताकतों ने हमेशा उसका साथ दिया। एक इंच जमीन भी ऐसी नहीं जिसे खाली करवाया गया हो सवाए मिस्र के, और उस वक्त मिस्र के सिना के रेगिस्तान को जब खाली करवाया गया यहूदी तसल्लुत से तो पहले मिस्र को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, इसराइल से ऐसी सुलह करने पर मजबूर किया गया जिसके नतीजे में इनका तखमीना यह था कि मिस्र हमेशा के लिए इस्लामी दुनिया से कट जाएगा और उनकी दुश्मनियों का निशाना बन जाएगा और इस बिना पर इसकी बका हम पर मुनहसर होगी और जब तक हम इसका सहारा बने रहेंगे ये जिंदा रहेगा वरना इसके पारे पारा ये टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये वो तखमीने थे जिनकी बिना पर इन्होंने रेगिस्तान के वो इलाके मिस्र को वापस दिलवा दिए जो यहूद के तसल्लुत में थे। लेकिन इसके अलावा कहीं भी एक इंच जमीन भी वापस नहीं कराई गई, यानी उन लोगों से वापस, इसराइल से उन लोगों की जमीन वापस नहीं करवाई गई जो गिरकर जिल्लत की सुलह पर आमादा नहीं थे। जॉर्डन कितनी देर इनका दोस्त रहा है, अभी भी जब वो खबरों में उसका जिक्र करते हैं कहते हैं देखो हमारा दोस्त, सबसे ज्यादा इस पर इनसार किया करते थे, कितने हम पागल थे, कैसा बेवफा दोस्त निकला, और ये नहीं देखते कि तुमने इस दोस्ती में इसको दिया क्या है। तमाम अरसा इस दोस्त का नहायत कीमती वतन का एक टुकड़ा इसके दुश्मनों के कब्जे में रहा और हमेशा तुमने दुश्मन की को ताकत दी और दुश्मन को इस नाजायज कब्जे को बरकरार रखने में मदद दी और उसके बावजूद ये तुम्हारा दोस्त था। कुरान करीम ने जहां फरमाया है कि गैरों को दोस्त ना बनाओ उससे भी बाज गलत फहमियां पैदा की गई और उसके नतीजे में बाज वस्ती जमानों के मुसलमान उलमा ने मजीद इस्लाम को बदनाम करवाया। ये वो मौके हैं जिनमें इस्लाम फरमाता है कि गैरों से दोस्तियां ना करो। इस्लाम और इंसाफ के तकाजों को बेचते हुए दोस्तियां ना करो। ये वो पस मंजर है जिसमें तालीम है और साथ साथ जिक्र फरमा दिया गया कि वो लोग जो तुमसे दुश्मनी नहीं करते, जो तुमसे नाइंसाफी का सलूक नहीं करते,
उनसे दोस्ती से खुदा तुम्हें मना नहीं करता, बल्कि उनसे हुस्ने सुलूक की तालीम देता है। ये इस्लाम है, लेकिन वो इस्लाम की तालीम जो अक्ल की तालीम है उसे हमेशा इन्होंने नजरअंदाज किया और उस तालीम पर अमल किया जिसको खुद बेअकली के माने पहनाए। बस जहां दोस्ती से मना किया गया वहां दोस्तियां की, जहां दोस्तियां करने की तालीम तलकीन की गई और तरीका सिखाया गया कि किस किस्म की दोस्तियां करनी है, वहां दोस्तियों से बाज रहे। बस आखिरी शक्ल इनकी बीमारी की यही बनती है कि तख्वा से दूर जा चुके हैं, कुरान करीम की तालीम से दूर जा चुके हैं। आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक बिल से दो दफा नहीं डसा जाता, लेकिन कितनी बार डसे जा चुके हैं, उसी सुराख में दोबारा उंगलियां डालते हैं और उसी सुराख से बार बार डसे जाते हैं और आज तक इन्होंने होश नहीं पकड़ी। बस साहिब होश मगरिब के हालात का तजिया करें तो वो भी जाहिल है और बेवकूफ है, और बार बार के नुकसानात के बावजूद आज तक नसीहत नहीं पकड़ सका कि असल बीमारी क्या है, और जब तक ये बीमारी रहेगी दुनिया के लिए हमेशा खतरात उसी तरह उनके सर पर मुड़लाते रहेंगे। और मुकाबले पर मुसलमान ममालिक ने भी बार बार की तकलीफें उठाने के बावजूद नसीहत नहीं पकड़ी और बार बार उन्हीं गलतियों में मुबतला होते चले जा रहे हैं। इसका क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक इलाज है जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया, जिसकी तरफ मैंने आपको पहले भी तवज्जो दिलाई थी और अब फिर दोबारा तवज्जो दिलाता हूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ बड़ी लंबी पेशगोइयां हैं, उनमें से एक टुकड़ा मैं आपको बताता हूं। आखिरी जमाने के जिक्र करते हुए फरमाया कि याजूज माजूज दुनिया पर काबिज हो जाएंगे और मौज दर मौज उठेंगे और तमाम दुनिया को उनकी गलब ताकत की लहरें मगलूब कर लेंगी। उस वक्त दुनिया में मसीह नाजिल होगा और मसीह अपनी जमात के साथ उनके मुकाबले की कोशिश करेगा, उनके मुकाबले का इरादा करेगा। तब अल्लाह ताला मसीह से ये फरमाएगा कि ला यदान ले अहदिल फितालेमा, हमने जो ये दो कौमें पैदा की हैं इन दोनों से मुकाबले की दुनिया में किसी इंसान को ताकत नहीं बख्शी, तुम्हें भी नहीं बख्शी। एक इलाज है कि तुम पहाड़ की पनाह में चले जाओ और दुआएं करो, दुआ ही वो ताकत है जो इन कौमों पर गालिब आएगी। इसमें पहाड़ से क्या मुराद है? मैं समझता हूं कि कुरान करीम वो पहाड़ है जिसका जिक्र फरमाया गया है, क्योंकि कुरान करीम के मुतल्लिक कुरान करीम लो अनजलना हाजिल कुरान आला जबल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये कुरान अगर हम पहाड़ पर भी उतारते तो वो इसकी अजमत से खशियत इख्तियार करता और टुकड़े टुकड़े हो जाता, गिर जाता। लेकिन इसमें नसीहतें हैं उन लोगों के लिए, आयात हैं जो फिक्र करने के आदी हैं। मुराद यह है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों पर अजमत हासिल थी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में सबसे सरबुलंद पहाड़ थे। दुनिया के पहाड़ों में तो यह ताकत नहीं थी कि इस कलाम को की अजमत और जलाल को बर्दाश्त कर सके, लेकिन एक मोहम्मद मुस्तफा हैं जो सबसे सरबुलंद पहाड़ थे और सबसे कवी पहाड़ थे। बस मुराद यही है कि मोहम्मद मुस्तफा की अजमत की तरफ लौटो और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में पनाह मांगो, उससे ताकत पाओ। और अगर तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की तरफ लौटोगे और उसमें पनाह लेकर दुआएं करोगे तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में पलने वाली दुआएं कभी नाकाम नहीं जाया करती। उस अजमत से तुम भी फिर हिस्सा पाओगे, तुम्हारी दुआएं हिस्सा पाएंगी। और दूसरा सबक इसमें यह है कि उस जमाने के तमाम मुसलमानों में से किसी के मुतल्लिक नहीं फरमाया कि खुदा उनको कहेगा कि तुम दुआएं करो, सिर्फ मसीह और मसीह की जमात के मुतल्लिक यह फरमाया है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों का उस जमाने में हकीकत में दुआ से ईमान ही उठ चुका होगा, दुआ को वो लोग अहमियत नहीं देंगे।
इसलिए जिन लोगों को दुआ की अहमियत ही कोई नहीं उनको दुआ का नुस्खा बताना ही बिल्कुल बेकार बात है। चुनाचे अब आप देख लीजिए कितने ही मुसलमान रहनुमाओं के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, कोई कहता है अमेरिका की तरफ दौड़ो और उससे अपना लो और उससे मदद लो, और कोई कह कोई ईरान से सुलह कर रहा है या और बातें बयान कर रहा है अपनी तकवियत की। किसी एक ने भी खुदा की पनाह में जाने का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की पनाह में जाने का कोई जिक्र नहीं किया। मुसलमान रहनुमाओं के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, कोई कहता है अमेरिका की तरफ दौड़ो और उससे अपना लो और उससे मदद लो, और कोई कह कोई ईरान से सुलह कर रहा है या और बातें बयान कर रहा है अपनी तकवियत की। किसी एक ने भी खुदा की पनाह में जाने का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की पनाह में जाने का कोई जिक्र नहीं किया। किसी ने यह नसीहत नहीं की कि ऐ मुसलमानों ये दुआ का वक्त है, दुआएं करो, क्योंकि दुआओं के जरिए ही तुम्हें दुश्मन पर गलबा नसीब होगा। बस एक जमात है और सिर्फ एक जमात है जो मसीह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है, जिसके मुतल्लिक खुदा ने यह मुकद्दर कर रखा था कि अगर आलम इस्लाम को बचाया गया तो इस जमात की दुआओं से बचाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में पनाह लें, आपकी तालीम में पनाह लें, आपके किरदार में पनाह लें, आपकी सुन्नत में पनाह लें और फिर दुआएं करें। बस इस सारे मसले का अगर कोई आर्जी हल तजवीज भी किया गया तो एक बात तो बड़ी बिल्कुल वाज़ह है कि वो हल पहले से बदतर हाल की तरफ अहले मशरक वस्ती के रहने वालों को भी लौटाएगा और दुनिया को भी लौटाएगा। बहुत दर्दनाक हालात पैदा होने वाले हैं और जहां तक बीमारियों और दुखों का ताल्लुक है इसका कोई हल नहीं होगा। वो हल अगर है तो आपके पास यानी मसीह मोहम्मदी की जमात के पास है। आप दुआएं करें और दुआएं करते चले जाएं, क्योंकि ये तकलीफों का जमाना अभी लंबा चलने वाला है, अभी हालात ने कई पलटे खाने हैं, कई नए दौरों में अदवार में दाखिल होना है। इसलिए दुआ के लिहाज से अभी ताखीर नहीं है, हम तो पहले भी दुआएं करने वाले लोग हैं, लेकिन आज की दुनिया में इन हालात के पेश नजर, इस तजिए के पेश नजर जो मैंने आपके सामने रखा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुआ के सिवा आज इन दुनिया की अमराज का और उम्मत मुस्लिमा की अमराज का और कोई चारा नहीं। और अहले मगरिब के लिए भी दुआ करें कि खुदा उनको अकल दे, बार बार वो अपनी चालाकियों और आला सियासत के जरिए दुनिया के मसाइल हल करने की कोशिश कर चुके हैं और हर बार नाकाम रहे, एक बार भी उनकी चालाकियां दुनिया के काम नहीं आई, क्योंकि उनकी चालाकियों में खुदगर्जी होती है और नफसानियत मुहर्रिक बनती है आखिरी फैसलों के लिए। बस अकल कुल का तकवा से ताल्लुक है। ये लोग दुनिया आज तक ये बात दुनिया को आज तक समझ नहीं आई। कुरान करीम जब तकवा पर जोर देता है तो पागल मुलायत पर जोर नहीं देता, ऐसे तकवा पर जोर देता है जिससे फिरासत पैदा होती है, जिससे मोमिन खुदा के नूर से देखने लगता है। और अकल कुल और तकवा दरअसल एक ही चीज के दो नाम हैं। हर चालाकी जो तकवा से आ रही होगी वो लाजमन बिलाखिर नाकामी पर मुंतज होगी, उसे चालाकी कह सकते हैं, उसे अकल नहीं कह सकते। बस आज दुनिया खा मशरिक की हो या मगरिब हो अकल कुल से आ रही है, क्योंकि तकवा से आ रही है और तकवा की दौलत के अमीन ऐ मोहम्मद मुस्तफा की जमात, ऐ मसीह मोहम्मदी की जमात तुम्हें बनाया गया है। बस इस अमानत का हक अदा करो और जब तक तुम इस अमानत के अमीन बने रहोगे खुदा तुम्हें हमेशा गलबा अता करेगा और नामुमकिन को तुम मुमकिनात बनाकर दिखाते चले जाओगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।